हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल पे कोई भी वैल्यू की मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले से ही एक वीडियो के लिए मैंने ये एग्जांपल तैयार किया था, जिसमें मैंने सम और मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स कमांड का यूज किया था। इसी के आगे मैं आज उस नए कंटेंट को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा और मैं निकालूंगा मिनिमम वैल्यू, कि किसी भी चीज़ की मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम है MIN। तो ये किसी भी चीज़ की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और फॉर्मूला शॉर्ट में MIN नाम से दिया गया है। तो मिन लिखने के बाद आप जब गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिन आ जाएगा। ओके करने के बाद आपको सब्जेक्ट का एरिया सेलेक्ट करना है, जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम के सब्जेक्ट दिए हुए हैं स्टूडेंट नेम के साथ। देखिए राजकुमार, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। तो इन 5 सब्जेक्ट्स में सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में आए हैं ये पता करने के लिए। देखिए 35 नंबर आए हैं SST में। दोबारा ट्राई करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे MIN, गो, ओके, सब्जेक्ट का एरिया सिलेक्शन और उसके बाद ओके। तो यहाँ देखिए 25 आया। सभी को एक साथ निकालने के लिए सिलेक्शन करके यहाँ पे ड्रैगिंग पॉइंट को ड्रैग कर लेंगे तो सभी का जो आंसर है वो वन टाइम में आ जाएगा। तो ये था आज किसी भी वैल्यू की मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए किस कमांड का कैसे यूज करें, ये मैंने आपको बताया है। तो ये एक मिन कमांड का यूज़ था जो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए होता है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो को लेकर, न्यू फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।